अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं अपने मामू के गांव में और उसका व्लॉग बना रही हूँ। आप सबको गांव दिखाऊंगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गांव है और मुझे तो पर्सनली गांव बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को भी वो गाँव बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सबसे पहले तो ये रास्ते में जाते हुए देखें, ट्रक बाय ट्रक इतने ट्रक्स थे, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक जो है ना ये ट्रक्स थे गन्ने के, और माशाल्लाह इतनी गन्ने की पैदावार है इस एक इलाके में, लेकिन फिर भी हमारी चीनी पूरी नहीं होती है, पता नहीं कहाँ जाती है। गांव पहुंचने के बाद हम दोपहर का खाना खा चुके हैं और अब हम लोग बाहर जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए। यहाँ पे ये ज़मीनों को कहते हैं मुरब्बा, तो उस मुरब्बे पे हम जा रहे हैं। वहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी सब्जियाँ और कौन कौन से फल वगैरह लगे हुए हैं। ये अभी रास्ते में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा धुंध और बहुत ज़्यादा ठंड है। ये अब यहाँ पे ट्रैक्टर और ट्राली आ गई है और हमारा मूड बन रहा पूरा इस पे चढ़ने का, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि हम इस पे चढ़ेंगे कैसे, और गांव के लोग हमें ऐसे देख रहे हैं कि बस हम बता नहीं सकते जी। तो बहुत ज़्यादा कोशिशों और खींचा थानी से हम लोग ट्रॉली पे चढ़ चुके हैं, और ट्रॉली पे चढ़ के हवा और भी तेज़ हो रही है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है हमें, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डीट हुए पड़े हैं और गांव के लोग हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे शहर से पता नहीं क्या मखलूक आ गई है। आप में से किस किस ने ट्रैक्टर और ट्रॉली का एक्सपीरियंस किया हुआ है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बहुत ही मज़े का एक्सपीरियंस रहा हमारा ये वाला। तो आगे आपको एक कपल जाता हुआ नज़र आ रहा होगा जिसमें से मेरी सिस्टर जो हैं उन्होंने तो बहुत कहा था कि वो भी ट्रॉली के ऊपर चलना चाहती है, लेकिन भाई बिल्कुल नहीं माने, उसने बहुत इसरार किया था लेकिन भाई नहीं माने। ये जो खेत नज़र आ रहे हैं आपको, इनमें से ये वाला जो है सामने ये है कमाद, मतलब कि गन्ने का खेत, ठीक है, और साइडों पे जो है वो गंदम वगैरह लगाई हुई है लोगों ने आजकल, और उसको पानी भी लगाया हुआ है जी। तो अब हम मुरब्बे पहुंच चुके हैं, ट्रॉली से हम उतर गए हैं, हमें पप्पा ने पकड़ पकड़ के नीचे उतारा है। अब ये रास्ते में हम लोग जा रहे हैं अपनी ज़मीनों पर, और रास्ते में ये इसको पंजाबी में खाला कहते हैं, इसके थ्रू जो है वो पानी लगता है फसलों को। तो अब हम छलांगे लगा लगा के तो इसको जाएंगे दूसरी तरफ। ये जो रास्ते हैं बहुत ख़तरनाक हैं, यकीन करें। घर में से तो हम लोग जो है दूसरे जूते वगैरह पहन के आए थे, लेकिन यहाँ पे आके हमने चेंज कर लिए, हमें बता दिया गया था कि वहाँ पर गिरने का बहुत ख़तरा है। तो ये देखें हम कितनी ख़तरनाक से रास्ते बनाए हुए हैं, लोग पता नहीं कैसे चल के जाते हैं इसके ऊपर से, और मैं तो कभी दाएं साइड की तरफ जा रही थी और कभी बाएं साइड की तरफ जा रही थी। खैर अब हम लोग जा रहे हैं मामूलों के बाग में, किन्नुओं का बाग है उनका, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग किसी और के अमरूद तोड़ने जाएंगे। ये घर से हम लोग प्लान करके आए थे कि पहले हम उनके अमरूद तोड़ेंगे, बाद में हम लोग किन्नुओं के बाग में जाएँगे। जी तो ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है किन्नुओं का बाग है, और काफ़ी लोगों ने तो अब किन्नु उतार भी लिए हुए हैं क्योंकि सीज़न इन है, तो फिर लोग उतार के जल्दी से सेल करने की करते हैं, यू नो फिर प्राइजेस भी अच्छी मिलती हैं उनको। तो ये जो है ये गंदम लगी हुई है साइड पे, वो मेरी सिस्टर हेलो कह रही है जी। तो अब हम जा रहे हैं सामने, ये भी किन्नु के पौधे लगे हुए हैं। तो ये लगी हुई है सरसों, आपने सुना ही होगा सरसों का तेल भी होता है एंड सरसों का साग भी होता है, और सर्दियों में तो साग बहुत ज़्यादा खाया जाता है इवन हमारे घर में। तो जब अम्मी साग बनाने लगती हैं तो सबके मुंह बने होते हैं कि बस अब तो साग बन गया, अब 2-3 दिन तो यही चलेगा। तो ये सरसों है, ये मुझे फूल गोभी लग रही थी लेकिन कंफर्म नहीं है, मुमानी साथ नहीं थी, नहीं तो मुझसे पूछ लेती, तो इसका तो मुझे भी कंफर्म नहीं। तो अब हम जा रहे हैं अमरूद तोड़ने के लिए, वो सामने अमरूद के पौधे लगे हुए हैं। तो अब हम तकरीबन वहाँ पे पहुँच गए हैं, ये देखें सूखे पत्ते तो जहाँ भी गिरे होते हैं मेरी तो जान जाती है, इतने मुझे प्यारे लगते हैं ना ये सूखे पत्ते, गिरे हुए पत्ते जो होते हैं नीचे, तो इनकी फ़ोटोग्राफी बहुत आला होती है। जहाँ मुझे सूखे पत्ते नज़र आते हैं मैं वहाँ पे पिक्चर्स लेना शुरू हो जाती हूँ। तो ये अमरूद के पौधे आ गए हैं, ये भी आपको दिखाते हैं कि जिससे अमरूद लगे हुए हैं, ये दिखे
अभी काफ़ी कच्चे भी थे, कुछ कुछ पक्के थे। तो हम लोग जो हैं अब ये उतारने, ये मैंने तोड़े अमरूद, वो बहुत मीठे थे। अब काफ़ी सारे अमरूद हमने इकट्ठे कर लिए हैं, तो अब हम जा रहे हैं दूसरे बाग में, अपने किन्नुओं के बाग में। तो ये अब हम पहुंच गए हैं किन्नुओं के बाग में, लेकिन यहाँ पे एक मसला था कि जो था गंदम को पानी लगा हुआ था, तो भाई ने मुझे अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि गिर जाओगी, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं किसी भी तरह अंदर घुस जाऊँ। तो कोशिश तो मेरी पूरी थी, लेकिन भाई ने मुझे जाने नहीं दिया। खैर, दूर दूर से हमने फ़ोटोग्राफी कर ली है और वीडियो बना ली है। ये पूरा किन्नुओं का बाग है, ये देखिए कितने खूबसूरत किन्नु लगे हुए हैं। अब हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं। ये मैंने अमरूद पकड़े हुए, खाती जा रही हूँ। सब कह रहे हैं पेट में दर्द होगा खा खा के, लेकिन मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना, यकीन करें। ये किन्नु है जो हमने तोड़े थे, तो अब मुझे फ़ोटोग्राफी याद आ गई है। यहाँ पर मैं किन्नु की पिक्चर ले रही हूँ, तो बाकी देखने वाले कह रहे होंगे कि ये बंदी तो फुल पागल है, हाथ भी गंदे हुए पड़े हैं, पाँव भी गंदे हुए पड़े हैं। तो अब हम उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं, वही जो रास्ता कभी इधर फेंक रहा था कभी उधर फेंक रहा था, बिल्कुल मतलब एक छोटी सी लाइन बनाई हुई है, तो उसके ऊपर से गुजरना होता है। तो अब तो जैसे प्रैक्टिस हो गई, तो मैं जल्दी जल्दी तेज तेज से गुजर रही हूँ जी। तो अब ये जो है, ये गाँव में ट्यूबवेल लगा हुआ है, यहाँ पे जो है वो खेतों वगैरह को पानी देने के लिए जो है ट्यूबवेल चलाते हैं। गर्मियों में ज़्यादा चलाते हैं, अब तो देखिए गंदा पानी है, तो सर्दियों में तो नहीं। वैसे सर्दियों में भी चलाते ही होंगे, सर्दी तो बस हमें लगती है ना, फसलों में कौन सी सर्दी लगती है। तो उनको तो पानी देना होगा ना, मैं भी पता नहीं कैसे बातें कर रही हूँ। तो जी, सर्दियों गर्मियों दोनों में चलाते हैं इसको, ठीक है। खैर, अब हम जा रहे हैं वापस, फसलें वगैरह तो पीछे रह गई हैं। ये रास्ता मुझे कोई गंदा सा रास्ता जिसमें हम ट्रॉली पे बैठ के आए थे, तो अब हम घर जा रहे हैं। ये रास्ते में ये जानवर हैं लोगों के, देखिए लोगों के घर कितने मतलब सिंपल से और मतलब मज़े के लग रहे हैं ना। और औरतें कह रही थी वो देखो वीडियो बना रही है, कि मतलब मुझे पागल समझ रही थी कि मैं बैंसों की वीडियो बना रही हूँ। तो जी, अब हम वापस आ रहे हैं। ये रास्ते में ना बकरी के बच्चे थे, मीन्स इतने प्यारे, वो इतने प्यारे, इतने क्यूट थे ना, माशाल्लाह देखें कितने प्यारे हैं, तीन बच्चे थे उसके जी। अब हम घर से हो के तो अब वापस आ रहे हैं अपने घर में। तो रास्ते में देखे शाम हो गई है और धूम भी पड़ रही है। तो आज का वीलॉग ख़त्म हुआ, मेरा पहला वीलॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें कि आप कभी गाँव में गए हैं तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। बहुत शुक्रिया।